अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालबात, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बखैरियत होंगे। जी बच्चों, आज हम लोग आपकी उर्दू के सबक नंबर 17 कौन बनेगा स्काउट के सवाल जवाब करेंगे। आपके सवाल आपकी किताब पे सफ़ा नंबर 106 पर लिखे हुए हैं और इसके जवाब आपने रिसोर्स पैक में देखने हैं। रिसोर्स पैक का भी आप उसके साथ साथ सफ़ा नंबर 20 ओपन कर लें, खोल लें सफ़ा नंबर 20। सवाल हम लोग किताब से पढ़ेंगे और जवाब हम लोग रिसोर्स पैक से देखेंगे। जी बच्चों, आपका पहला सवाल है, अमार को स्कूल जाने की जल्दी क्यों थी? अमार को स्कूल जाने की जल्दी क्यों थी? इसका जवाब है, अमार को स्कूल जाने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि स्कूल में मेहमान आ रहे थे। जी अगला सवाल है आपका, स्काउटिंग का आगाज किसने और किस मुल्क से किया? इसका जवाब आपके रिसोर्स पैक सफा नंबर 20 पर दिया गया है। स्काउटिंग का आगाज एक अंग्रेज ने 1907 में बर्तानिया से किया। सवाल नंबर जीम है हमारे पास, उम्र के लिहाज से स्काउट्स के कितने दर्जे होते हैं? इसका जवाब भी आपके रिसोर्स पैक पे मौजूद है, रिसोर्स पैक का सफा नंबर 20 पर। उम्र के लिहाज से स्काउट्स के 3 दर्जे होते हैं। जी अब हम अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर दाल पे, स्काउट्स को किन किन चीजों की तरबियत दी जाती है? इसका जवाब भी आपके रिसोर्स पैक पे मौजूद है, स्काउट्स को खेमा लगाने, आरजी पुल तमीर करने, खाने पकाने और आग बुझाने की तरबियत दी जाती है। जी अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, एक तालिब इलम स्काउट बनते वक्त जिन बातों का अहद करता है इन्हें निभाने के लिए कैसे किरदार का होना जरूरी है? अपने अल्फाज में इजहार ख्याल कीजिए। जी बेटा, इसका जवाब भी हमने रिसोर्स पैक में लिखा हुआ है, इनमें खिदमे खल्क हो, दूसरों का एहतराम करना जानता हो, मुल्को कौम का वफादार हो और खुश इखलाक का किरदार होना जरूरी है। जी बेटा, ये आपके सारे सवाल कंप्लीट हो गए। इन सवालों के जवाब आपने अपनी नोटबुक पे तहरीर करने हैं और इनको अच्छे तरीके से याद करना है।